हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो इन आवर चैनल साउथ फ्लो। सो कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद है कि दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज का दिन और भी अच्छा बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं दोस्तों एक ऐसे एक्टर की मूवीज़, जिनकी मूवीज़ तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हो और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। मोस्ट ही अंडररेटेड एक्टर हैं, वो हैं दोस्तों वरुण तेज। दोस्तों अगर आप स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन, रामचरण, सैधर्म तेज ऐसे एक्टर्स को जानते हैं तो इसको भी ज़रूरी जानते होंगे, ये कज़न ब्रदर्स हैं। जैसे वरुण तेज भी इनकी ही फैमिली का एक सदस्य है, जिनकी मूवीज़ तो दोस्तों आउटस्टैंडिंग होती हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों वरुण तेज के करियर में जितनी भी उसने मूवीज़ दी हैं, वो दोस्तों जितनी भी उनकी मूवीज़ हिंदी में अवेलेबल हैं उनके बारे में बताऊंगा, और जितनी भी आगे हिंदी में आने वाली हैं, आगे जो हिंदी में आएंगी उनके बारे में भी बताऊंगा, कहाँ पे आएंगी, कब आएंगी, सब कुछ इसी वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप वरुण तेज के बहुत ही बड़े फ़ैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूरी देना, जैसे एक लाइक तो बनता है। और इसी और भी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए कर रहे हैं अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ज़रूरी प्रेस कर देना, इससे आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों लाइक का बटन दबा करके चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू। दोस्तों नंबर वन की बात की जाए तो नंबर वन पर जो मूवी आती है उसका नाम है मुकुड़ा। मुकुड़ा ये फिल्म वैसे दोस्तों रिलीज़ हुई थी 2014 में, एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिस फिल्म में आपको एक्शन भी देखने के लिए मिलेंगे। इस फिल्म में आपको दोस्तों वरुण तेज के साथ पूजा हेगड़े और प्रकाश राज और ब्रह्मानंदम भी देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों ब्रह्मानंदम की तो कॉमेडी आउटस्टैंडिंग है। ये फिल्म को दोस्तों दुश्मन नंबर वन के नाम से हिंदी में रिलीज़ करवाया गया था, और इस फिल्म को IMDb पर दोस्तों रेटिंग दी गई है 5.7/10 की, जो कि एक दोस्तों अच्छी खासी रेटिंग है। इस रेटिंग से आप दोस्तों मूवी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी है मूवी। हिंदी डबिंग दोस्तों इस फिल्म की कंप्लीट करवाई थी आदित्य मूवीज़ ने, और ये फिल्म दोस्तों उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, अगर देखना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नंबर टू की बात की जाए तो दोस्तों नंबर टू पर जो मूवी आती है उसका नाम है दोस्तों लोफर। लोफर दोस्तों ये फिल्म भी 2015 में रिलीज़ हुई एक एक्शन ड्रामा मूवी थी, जिस फिल्म में आपको रोमांस का तड़का भी देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों इस फिल्म की स्टार कास्ट की बात की जाए तो इस फिल्म में आपको देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों वरुण तेज, दिशा पटानी और मुकेश ऋषि और ब्रह्मानंदम इस फिल्म में भी आपको कॉमेडी करते हुए नज़र आएंगे। इस फिल्म की IMDb रेटिंग की बात की जाए तो दोस्तों इस फिल्म को IMDb ने रेटिंग दी है दोस्तों 5.2/10 की, ये रेटिंग भी बहुत ही अच्छी होती है। और दोस्तों ये इस फिल्म की डबिंग की बात की जाए तो डबिंग भी इस फिल्म की 100% कंप्लीट है, और ये फिल्म हिंदी में भी आ चुकी है, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आप ये फिल्म भी देखना चाहते हो तो एक बार वॉच कर लेना। नंबर थ्री की बात की जाए तो दोस्तों नंबर थ्री पर जो मूवी आती है उसका नाम है कांचे। कांचे ये फिल्म भी दोस्तों 2015 में रिलीज़ हुई एक एक्शन वार ड्रामा मूवी थी, जिस फिल्म में आपको रोमांस भी देखने के लिए मिलेगा और कॉमेडी भी। दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी, ये इस फिल्म की स्टोरी मिक्स मसाला है, और इस फिल्म में आपको कास्ट में देखने के लिए मिलने वाले हैं वरुण तेज के साथ प्रज्ञा जायसवाल और नितिन ढेर। दोस्तों इस फिल्म को रेटिंग भी ब्लॉकबस्टर हासिल है 7.9/10 की, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। और इस फिल्म को दोस्तों हिंदी में खिलाड़ी की जंग नाम से रिलीज़ करवाया गया था, और डबिंग इस फिल्म की आदित्य मूवीज़ ने कंप्लीट करवाई थी, और इस फिल्म का दोस्तों बैनर आदित्य मूवीज़ ही था। ये फिल्म उनके ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर भी ये फिल्म अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। दोस्तों नंबर फोर की बात की जाए तो नंबर फोर पर जो मूवी आती है उसका नाम है दोस्तों फिदा। फिदा ये फिल्म दोस्तों 2017 की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी, जिस फिल्म में दोस्तों एक्शन तो ना के बराबर ही था, और दोस्तों इस फिल्म की जो लव स्टोरी थी ना वो हार्ट टचिंग लव स्टोरी थी। इस फिल्म को देखने के बाद दोस्तों आप यही कहोगे कि यार क्या मूवी थी, ऐसी मूवी बार बार देखने के लिए मिले, ऐसी एक मूवी थी ये। इस फिल्म में आपको वरुण तेज के साथ सैफ अलवी, हर्षवर्धन भी देखने के लिए मिले थे, और इस फिल्म को IMDb की बात की जाए तो दोस्तों IMDb ने इस फिल्म को 7.5/10 की ब्लॉकबस्टर रेटिंग दी थी, और ये फिल्म दोस्तों आउटस्टैंडिंग मूवी थी। अगर आप ये फिल्म मिस कर चुके हैं तो दोस्तों तो आपने कोई भी मूवी नहीं देखी, इस फिल्म को ज़रूरी जाके देखना अगर मिस हो गई थी। ये फिल्म की डबिंग गोल्ड माइन स्टाइल फिल्म ने करवाई थी, और ये फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों नंबर फाइव की बात की जाए तो नंबर फाइव पर जो मूवी आती है उसका नाम है मिस्टर। मिस्टर ये फिल्म भी दोस्तों 2017 की एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस फिल्म में आपको एक्शन भी बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिलेंगे। इस फिल्म में आपको देखने के लिए मिलने वाली है दोस्तों वरुण तेज के साथ लवनिया त्रिपाठी, हिबा पटेल और नासिर।
दोस्तों ये फिल्म भी एक बहुत ही अच्छी मूवी थी। दोस्तों इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस से मिक्स्ड रिव्यू मिले थे। बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म एवरेज हिट गई थी। IMDb पर इस फिल्म को दोस्तों 3.9 आउट ऑफ 10 की एक रेटिंग दी गई है, जो कि ठीक ठाक की रेटिंग कहा जा सकता है इसको भी। और ये फिल्म हिंदी ऑडियंस को बहुत ही पसंद आई थी। जी सिनेमा के बैनर तले इस फिल्म को हिंदी में डब्ड करके रिलीज करवाया गया था जी सिनेमा पर। ये फिल्म अब यूट्यूब पर अनऑफिशियली अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यूट्यूब पर ना हुई तो वेबसाइट का लिंक नीचे होगा। नंबर 6 की बात की जाए तो नंबर 6 पर जो मूवी आती है उसका नाम है F2। जैसो F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन। दोस्तों अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जिस फिल्म में आपको कॉमेडी भर भर के देखने के लिए मिले, थोड़ा थोड़ा एक्शन भी हो, रोमांस भी हो, तो ये फिल्म एक बेस्ट मूवी है दोस्तों आपके लिए। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में आपको वरुण तेज के साथ वेंकटेश महरीन, प्रियजदा और तमन्ना भाटिया भी देखने के लिए मिली थी, जो कि दोस्तों इस फिल्म ये मल्टी स्टारर मूवी थी और इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस ने भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इस फिल्म को IMDb ने 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी थी, जो कि बहुत ही एक अच्छी रेटिंग थी। और दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत ही अच्छी कमाई की थी इस फिल्म में। और इस फिल्म का दोस्तों सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जिसका नाम होने वाला है F3। दोस्तों इस फिल्म को हिंदी में आदित्य मूवीज के बैनर तले रिलीज करवाया गया था और ये फिल्म उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों नंबर 7 की बात की जाए तो नंबर 7 पर जो मूवी आती है उसका नाम है दोस्तों थोली प्रेमा। थोली प्रेमा ये फिल्म भी 2018 में रिलीज हुई दोस्तों। एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी, जिस फिल्म में थोड़ा थोड़ा एक्शन भी देखने के लिए मिला था। दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद मेरा तो एक ही दोस्तों जो मन में आया था वो था आउटस्टैंडिंग फैंटास्टिक माइंड ब्लोइंग। दोस्तों एक लव स्टोरी वाली मूवी अगर आप देखना चाहते हो तो ये फिल्म ज़रूरी देखना। अगर देख चुके हो तो फिर भी एक बार देख लेना, आपको बहुत ही पसंद आएगी, बोर ज़रा भी नहीं करेगी ये फिल्म आपको। IMDb ने 7.3 आउट ऑफ 10 की ब्लॉकबस्टर रेटिंग इस फिल्म को दी थी। डबिंग पैन मूवीज़ और जी इंडिया नेटवर्क ने मिलकर कराया था और ये फिल्म पैन मूवीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आउटस्टैंडिंग मूवी है दोस्तों, एक बार तो देखना बनता है। नंबर 8 की बात की जाए तो नंबर 8 पर जो मूवी आती है दोस्तों उसका नाम है गादलगुंडा गणेश, यानी कि वाल्मीकि। दोस्तों ये फिल्म वैसे गादलगुंडा गणेश रिलीज हुई थी 2019 में, जो कि एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। इस फिल्म में आपको दोस्तों वरुण तेज, पूजा हेगड़े और अथर्वा देखने के लिए मिले थे, जो कि बहुत ही एक अच्छी कास्ट थी। IMDb पर इस फिल्म को 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई थी, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी रेटिंग है। और ऑडियंस और दोस्तों क्रिटिक्स से इस फिल्म को बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ मिले थे। बॉक्स ऑफिस पर भी यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म की हिंदी डबिंग की बात की जाए तो हिंदी डबिंग इस फिल्म की काफ़ी पहले सोल्ड आउट करवाई गई थी और सूत्रों से खबर ये निकल के आई है कि इस फिल्म की डबिंग अब 100% कम्प्लीट हो चुकी है। इस फिल्म का बैनर कहा जा रहा है कि आदित्य मूवीज़ है, हो सकता है बैनर कंफर्म ना हो, चेंज हो जाए, ये अभी कंफर्म नहीं है। देखते हैं इस फिल्म की रिलीज डेट कब तक आती है। जैसी रिलीज डेट आएगी या कोई भी छोटी बड़ी इस फिल्म से जुड़ी हुई दोस्तों अपडेट निकल के आती है, इसी चैनल पर आपको सबसे और सबसे पहले देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों नंबर 9 की बात की जाए तो नंबर 9 पर जो मूवी आती है उसका नाम है दोस्तों अंतरिक्षम 9000 किलोमीटर पर आवर। जैसो अंतरिक्षम 9000 किलोमीटर पर आवर मूवी 2018 की एक साईफाई एडवेंचरर ड्रामा थ्रिलर मूवी थी। इस फिल्म में आपको वरुण तेज के साथ अदिति राव हैदरी, रहमान और लावण्या त्रिपाठी भी देखने के लिए मिलेंगी। दोस्तों इस फिल्म को IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई थी। दोस्तों ये एक सेकेंड स्पेस मूवी थी, जो कि साउथ में ही बनाई गई थी और ये फिल्म दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर तो ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन हिट ही हो पाई थी। और दोस्तों ये फिल्म क्रिटिक्स से और ऑडियंस से मिक्स्ड रिव्यू मिले थे इस फिल्म को। इस फिल्म की अब हिंदी डब वर्जन की बात की जाए तो हिंदी डबिंग इस फिल्म की दोस्तों 101% कम्प्लीट हो चुकी है। दोस्तों इस फिल्म की भी डबिंग कम्प्लीट है और इस फिल्म की डबिंग को करवाया है गोल्ड माइंस टेलीफिल्म प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ही डब स्टूडियो गोल्ड माइंस डब स्टूडियो में। और ये फिल्म भी दोस्तों गोल्ड माइंस टेलीफिल्म पर आपको बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी बड़ी बड़ी मूवीज़ गोल्ड माइंस टेलीफिल्म वाले एक एक करके रिलीज़ करवा रहे हैं, उसके बाद हो सकता है ये फिल्म भी रिलीज़ करवाएं, क्योंकि इस फिल्म की भी डबिंग 100% कम्प्लीट है। देखते हैं अब तक कब तक इस फिल्म की रिलीज डेट आती है। जैसी रिलीज डेट आएगी सबसे और सबसे पहले इसी चैनल पर आपको बताया जाएगा। एक और मूवी है जिसका नाम है राया भारी, जो 2021 में रिलीज होने वाली है, जो कि दोस्तों सितंबर में ही देखने के लिए मिलेगी 2021 की। उस फिल्म में आपको वरुण तेज के साथ अदिति राव हैदरी भी देखने के लिए मिलने वाली है।
दोस्तों ये अपकमिंग मूवी है वरुण तेज की, जिसका अभी टाइटल रखा गया है राया भारी, जो कि अभी दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट तो नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है इस फिल्म की शूटिंग। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो था यहीं तक। अगर आप वरुण तेज के बहुत ही बड़े फैन हो तो आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि वरुण तेज की सारी मूवीज के बारे में मैंने इसी वीडियो में बताया है। दोस्तों गंदल गुंडा गणेश और अंतरिक्षम 9000 किलोमीटर पर आवर मूवी के लिए कितने हो एक्साइटेड, जो अवेलेबल है उनमें से कौन सी मूवी देख चुके हो और कौन सी मूवी को देखने वाले हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए बना है जरूर बताना। तो वीडियो हमारा था यहीं तक, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फैनली थैंक्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।